तो अब 112वां क्वेश्चन। तो अस्थि के प्रकार पूछिए, तो अस्थि 5 प्रकार की होती है, कपाल, रोचक, तरुण, वल्य और नलक। ओके, अस्थि के प्रकार, संधि के प्रकार, ये आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। लिंग भेद सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग आयुर्वेद के अनुसार देखना, अगर शुक्र के दिखता हो तो पुत्र, और आर्तव के दिखता है तो पुत्री, और दोनों की समानता है तो नपुंसक। ओके, और अगर युग्म दिनों में मिथुन करता है, जैसे 4, 6, 8 तो पुत्र, और अयुग्म दिनों में मिथुन होता है तो 3, 5, 7, 9 तो पुत्री। युग्म हो गया तो पुत्र, अयुग्म हो गया तो पुत्री। राइट ओवरी से ओवुलेशन होता है तो पुत्र, और लेफ्ट से होता है तो पुत्री। तो 3 पॉइंट हो गए, शुक्र की ज्यादा और आर्तव ज्यादा, दोनों समानता, युग्म अयुग्म, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। ओके, और फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवम और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, तुमको पता ही है। और उल्बा और जरायु क्या होता है, तो उल्लव क्या होता है, उल्लव होता है गर्भ को आवर्त करने वाला चर्म, गर्भवेष्टित चर्मण, ये याद करना है, गर्भवेष्टित चर्मण। जबकि जरायु क्या है, जरायु गर्भ के मुख को आच्छादित करती है। येन वेष्टि तो गर्भ कुक्षो तिष्ठति है, ये तो पूरे शरीर को, पूरे गर्भ को, और ये मुख को आच्छादित करती है ना, कवर करती है। तो कोटेशन याद करना है, उल्लव क्या है, गर्भवेष्टि चर्मण, और जरायु क्या है, येन वेष्टि तो गर्भ कुक्षो तिष्ठति है। ओके, और टाइप ऑफ ओसिफिकेशन, तो दो टाइप के होता है, इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रियल। ओके, ये भी याद करना है। शिरा धमनी क्या है, शिरा शरणात शिरा, ये याद करना है। धमनी क्या है, धमाना तदमन्य, शरणात शिरा और धमाना तदमन्य। शरीर के रक्त को हृदय की ओर लाती है वो धमनी, और दूर ले शिरा हो गई, और जो दूर ले जाती है वो धमनी हो गई। तो तुमको ये याद करना है, शरणात शिरा धमाना तदमन्य। ओके, और अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन की, ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो देखो, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो किसको सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है, इन दोनों में से एक ब्रांच पूछते हैं 5 नंबर में, या तो राइट की या लेफ्ट की। तो देखो, राइट कोनस आर्टरी, ब्रांच ऑफ एसेनोड, राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी, टर्मिनल ब्रांच और ब्रांच ऑफ एवीनोड, ये 6 ब्रांच हो गई राइट कोरोनरी आर्टरी की। ओके, ये याद करनी है तुम्हें। अब स्टेलोइड प्रोसेस होता है ना, उसके अटैचमेंट, टेम्पोरल बोन में स्टेलोइड प्रोसेस होता है, उसके अटैचमेंट। तो देखो, 3 मसल और 2 लिगामेंट अटैच होता है इसे। 3 मसल कौन सी है, स्टाइलोग्लोसल मसल, फेरिंजियल मसल और हायोड मसल। ठीक है, स्टाइलोग्लोसल, फेरिंजियल और हायोड। जबकि लिगामेंट कौन से है, स्टाइलो हायोड लिगामेंट, स्टाइलोइड प्रोसेस है इसीलिए स्टाइलो हायोड और मैंडिबुलर लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट है कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल ऑफ ह्यूमरस बोन में। तो देखना, ये कब बनेगा, जब फोर आर्म एक्सटेंसर और सुपिनेटर होगी तब बनेगा, और ये मेल में होता है 10 से 15 डिग्री और फीमेल में 15 डिग्री से ज़्यादा। ओके, और इसका कारण, रीजन क्या है, कि ट्रोकलिया डीपर होता है 6 mm मीडियल साइड में, और कोरिनोइड प्रोसेस होता है ना वो ओब्लिक प्लेस होता है, इसीलिए यह कैरिंग एंगल बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरियन क्या होता है, तो देखो ये एच शेप में होता है। अब एच शेप में है, इसका मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर आके मिलेगी, है ना, न्यूरोलॉजिकल लैंडमार्क है एच शेप में। कौन कौन बनाता है, फ्रंटल बोन, स्पेनोइड, पेराइटल और टेम्पोरल बोन का स्क्मोस पार्ट, या टेम्पोरल बोन लिख सकते हो। तो किन जंक्शन किस किस का है, फ्रंटल, स्पेनोइड, पेराइटल और टेम्पोरल बोन। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेम ऑफ लेयर ऑफ स्किन, है ना। तो देखो, स्किन के लेयर के नाम, आयुर्वेद के अनुसार तो अपन ने देख लिया, यहाँ पूछा है मॉडर्न के अनुसार। तो देखो, स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ल्यूसिडम, स्टेटम ग्रेन्यूलोसम, मेलबीजियन, पेपिलिया, रेटिकुलर और फेशियल, स्टेटम लगाना है ना पहले। तो ये तुमको याद करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ ही त्वचा आयुर्वेद में, साथ ही मॉडर्न में होती है। ओके, सरफेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की सरफेस पूछी है, 4 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, टू इन्फिरोलेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, टू इन्फिरोलेटरल। हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पीयूष ग्रंथि से हार्मोन, तो देखो ACTH, LH, GH, ऑक्सीटोसिन, TSH। ओके, और नेम ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पूछिए। ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बाथोलिन ग्लैंड, क्लाइटोरिस, ये हो गया। लार्जेस्ट पैरासिम्पेथेटिक नर्व है, ये क्वेश्चन आया था हमारे, तो ये हो जाएगा वेगस नर्व है, 2019 में आया था ये। ठीक है, नेम लोब ऑफ शेरी शेरीब्रम, ये भी 2019 का क्वेश्चन है,
सेरिब्रम में कितने लोब होते हैं? तो फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरा। तो देखो अपरा क्या होता है कि जब गर्भदान हो जाएगा ना, तो बाद में गर्भ के द्वारा आर्तव व श्रोतस अवरुद्ध हो जाएंगे। तो अब जब आर्तव व श्रोतस अवरुद्ध हो जाएंगे, तब जो आर्तव नीचे जाना चाहिए वह नीचे नहीं जाकर ऊपर जाएगा और अपरा का निर्माण कर लेगा। ओके, गर्भदान होने पर आर्तव व श्रोतस बंद हो जाएंगे और जो आर्तव नीचे जाना चाहिए वह नीचे नहीं जाकर ऊपर जाएगा और अपरा का निर्माण करेगा, है ना। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये अकॉर्डिंग आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों के अनुसार पूछते हैं कि आयुर्वेद और मॉडर्न के अनुसार प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ओके, और देखो ये क्वेश्चन आया था ना, ये बीच में रिक्त स्थान है। तो ध्रुवम चतुर्णा सानिध्याद गर्भ स्याद विधि पूर्वक ऋतु शेतर अंबु बीज सामग्रियाद अंकुरो यथा, है ना। गर्भ उत्पादक सामग्री है ना ये, ऋतु शेतर अंबु और बीज। तो ये कोटेशन याद करना है तुम्हें। अब लोअर लिम्ब की आर्टरी पूछी है ना, तो देखो फीमोरल आर्टरी हो गई, पोपलीटियल आर्टरी, आपको जितनी भी है ना वो सब लिख देना। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, डोर्सल पेडेसिस आर्टरी, लेटरल एंड मीडियल प्लांटर आर्टरी और कॉमन पेरोनियल आर्टरी, इनमें जितनी भी याद है ना वो लिख देना। आशय की परिभाषा और संख्या, तो देखो जिसमें दोष धातु और मल आशय करके रहते हैं उसको आशय बोलते हैं। और संख्या है ना, चरक ने आठ, चरक ने 15, सुश्रुत ने 8, बताइए। चरक ने 15, सुश्रुत ने 8। और यहीं पे एक कोष्ठ भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है तुमको, है ना। कोष्ठ अलग है, आशय अलग है। चरक ने 15, सुश्रुत ने 8, और भेद सह गर्भाशय अगर्भाशय, जिसके अंदर रिक्त स्थान ज्यादा होती है और जिसके अंदर नहीं होता उसको अगर्भाशय बोलते हैं। और अपुचा स्नायु क्या होता है? तो मेद धातु से स्नायु का निर्माण होता है, मेद धातु से, याद करना है। चार प्रकार के स्नायु, पटानवती, वरत, सुषिर और पर्तु, और संख्या वह 900। ओके, और नेक्स्ट देखना कि राइट, ये देख लेते हैं 124वां ना, कोष्ठांगों की संख्या और नाम। तो देखो चरक ने 15 कोष्ठांग बताई है और सुश्रुत ने बताई 8 कोष्ठांग। तो सुश्रुत के 8 कोष्ठांग कौन कौन सी है? आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस। ओके, रोहिणी छठी त्वचा है, आपको बताया त्वचा के साथ है, सात त्वचा होती है तो छठी त्वचा होती है रोहिणी, और इसका प्रमाण व्री प्रमाण का होता है, और अधिष्ठान ग्रंथि, अपच, अर्बुद, सलीपद और गलगंड। ओके, याद करना है तुम्हें ये। विशल्यगण मर्म के नाम, तो तीन होते हैं, उत्सेप दो और स्तपनी एक। त्रिनाड़ी कौन सी होती है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और क्रेनियल नर्व के नाम पूछिए, तो 12 पेयर होती है, यैट्रिक है ओ टा फागवा, ओ ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, टी यानी ट्राइजेमिनल, ए यानी ऑब्डुसेंस, टी यानी ट्रोक्यूलर, टी यानी ट्राइजेमिनल और ए यानी ऑब्डुसेंस, फेशियल और ऑडिटरी और ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस और एसेसरी और हाइपोग्लोसल नर्व है। ओके, और ये डायग्राम पूछा है यूट्रस का। ओके, यूट्रस का डायग्राम, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड के बारे में पूछा है। तो 2 लीटर पर डे, और ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं लिखना तुमको, ये लिखना है कोरोइड प्लेक्सिस के द्वारा। और इसका फ्लो कैसे होता है? लेटरल वेंट्रिकल, इसके बाद में थर्ड वेंट्रिकल, और इसके बाद में फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके बाद में सेरिब्रो मेडुलरी पोन्टाइन सिस्टर्नी, पोन्टाइन सिस्टर्नी, सेरिब्रो मेडुलरी पोन्टाइन सिस्टर्नी। फर्स्ट वेंट लेटरल वेंट्रिकल दो होते हैं, इनसे थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ, और बाद में सेरिब्रो मेडुलरी पोन्टाइन सिस्टर्नी। ओके, ये इसका CSF का फलो हो गया। नेक्स्ट है लेटेक, ये वाला लेक्टियल क्या होता है? ओके, तो लेक्टियल देखो इनको है ना, ये लिम्फेटिक कैपिलरी होती है जो इंटेस्टाइनल विली में होती है, आपको बताया इंटेस्टाइनल विली में होती है और लिम्फेटिक कैपिलरी बोलते हैं इनको। ओके, और बाद में भी रसकुल्या मतलब थोरेसिक डक्ट है ना, थोरेसिक डक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक डक्ट का अलग का 5 नंबर से क्वेश्चन आता है, 45 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और ये स्टार्ट, अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है और एंडिंग कहाँ से होती है ये याद करना है। तो ये शुरू होती है सिस्टर्ना काइली, जो कहाँ पे होता है? एब्डोमन में होता है, और एंड होती है जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगलर वेन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, इंटरनल जुगलर वेन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट और लेफ्ट, ये याद करना है। स्टार्ट होती है सिस्टर्नी काइली से। ओके, और इसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी बोलते हैं, इसीलिए लेफ्ट लेफ्ट आ गया दोनों, है ना। अंजलि प्रमाण क्या है? तो द्रव धातु का माप है ना अंजलि प्रमाण में करते हैं अपन, तो यू तो अंजलि प्रमाणम, ये याद करना है तुम्हें तुम्हें तो यू तो अंजलि प्रमाणम, द्रव धातु का माप करते हैं अंजलि। ओके, और सुपीरियर और इन्फीरियर क्या होता है? तो सुपीरियर क्या होता है? नियर टू द हेड या सिपेलिक भी बोलते हैं, इन्फीरियर को कोडल भी बोलते हैं, अवे फ्रॉम द हेड, है
वचिता सा लिखना है। बीज भाग क्या होता है, तो देखो ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, उनके अंदर होता है जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, तो है ना, तो उनको बीज भाग अवयव बोलते हैं। तो बीज भाग ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, ओके। और शुद्ध शुक्र के लक्षण, ये आपको कोटेशन याद करना है, स्फटिकाभम द्रवम सनिग्धम मधुरम मधुगंधि च शुक्रम इच्छन्ति केचितु तेल सोद्र निभम तथा। स्फटिक के समान अभाव वाला द्रव है, सनिग्ध मधुर मधुगंधि, कुछ आचार्य तेल और सोद्र के समान भी मानते हैं, ओके। ये श्लोक याद करना है। और फिर बात करते हैं, राइट द नेम ऑफ मसल ऑफ थोरेसिक वॉल की मसल, कौन कौन सी मसल अटैच होती है। तो देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गई, है ना, थोरेक्स से इंटरकोस्टल मसल अटैच होती है ना, और बाद में सब कोस्टल मसल हो गई, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल हो गई, और बाद में ट्रांसवर्ट थोरेसिक मसल हो गई, ठीक है, और सब कोस्टल मसल हो गई। तो जितनी भी कोस्टल मसल होती है ना, वो थोरेसिक वाल से अटैच होती है, ओके। और ब्रांच वो ब्रेकियोस्पेलिक आर्टरी की ब्रांच पूछी है, तो दो ब्रांच होती है, राइट कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेविन आर्टरी। और नेक्स्ट है ओरिजन एंड इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड मसल, इंपॉर्टेंट है, तो डेल्टोइड मसल का ओरिजन देखना, लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला से, और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ क्लेविकल, ठीक है, तो क्लेविकल और स्केपुला से इसका ओरिजन। इंसर्शन देखना, डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, डेल्टोइड मसल का होता है डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ, कहाँ होती है, ह्यूमरस में, ओके। और इसकी नर्व सप्लाई होगी एक्सिलरी नर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्व ऑफ कार्टिलेज, लरिंग्स में आगे होता है लरिंग्स और पीछे होता है फेरिंग्स, तो लरिंग्स की कार्टिलेज पूछी है ना, तो कौन कौन सी देखना, थायराइड कार्टिलेज हो गई, क्रिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस हो गया, एरिटिनोइड हो गया, कॉर्निकुलेट हो गई, और क्यूनिफोरम हो गई, ये कार्टिलेजनेज होती है, ओके, लरिंग्स में। और विटपमरम कहाँ पे होता है, वर्षण और वर्षण के मध्य में, वक्षण और वर्षण के मध्य में विटपमरम होता है, ये भी तुमको याद करना है। और फिर नेक्स्ट है कि रेड न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, तो वेंट्रल मिड ब्रेन में, वेंट्रल मिड ब्रेन, मिड ब्रेन की तुम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो वहाँ आता है रेड न्यूक्लियस, ओके। और फिर इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, इसके अटैचमेंट पूछा है, तो देखो ये लोअर में कहाँ पे होता है, डीप फेशिया ऑफ थाई, और अपर में कहाँ पे होता है, इसका लेटरल 2/3 पार्ट, इंटरनल ओब्लिक एब्डोमिनस मसल, और लेटरल 1/3 ट्रांसवर एब्डोमिनस मसल, ओके, और मीडियल में क्रीमास्टर मसल, है ना, तो तीन तो मसल हो गई, और नीचे डीप फेशिया ऑफ थाई, नीचे थाई होती है इसलिए थाई आ गई। अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है ना, तो देखो इन्फीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की, ओके। और पोर्टा हिपेटिस कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, इसके कंटेंट पूछिए, पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व, और बाद में हिपेटिक डक्ट हो गया, कुछ लिम्फ नोड भी हो गए, ओके, तो ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है। और बाद में सरफेस एनाटोमी, तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी है ना, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी उसको बोलते हैं अपन सरफेस एनाटोमी। और फिर ये हो गया, ये होने के बाद में नेक्स्ट देखना कि वृक्क की उत्पत्ति पूछिए किडनी की, आयुर्वेद के अनुसार तो रक्त मेद के सार भाग से वृक्क बनता है, ओके। अस्थि मर्मों के नाम लिखिए, तो आठ होते हैं, कटिक तरुण, नितंब, अंशफलक और शंख, कटिक तरुण, नितंब, अंशफलक, शंख, दो दो होते हैं। कोरोनल प्लेन क्या होता है, बॉडी को एंटीरियर से पोस्टीरियर कट करते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन, तो ए कटिंग अलोन द प्लेन द सेपरेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, ओके, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। गर्भोत्पादक सामग्री मैंने पहले ही बता दी, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, पहले कोटेशन आया था ना, वो याद करना है तुम्हें। कार्टिलेजिने पूछी है ट्रेकिया में, तो 16 से 20 होती है कार्टिलेज, कितनी कार्टिलेज होती है, 16 से 20, ये 2019 का क्वेश्चन है। सरफेस ऑफ लीवर, 5 सरफेस होती है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। सुपीरियर, इंपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और राइट लेटरल, ओके, सुपीरियर, इंपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेटरल, 5 सरफेस। टेम्परेरी ग्लैंड का नाम पूछा है, अस्थायी ग्रंथि, तो कार्पस ल्यूटियम और ओवेरी हो गए, है ना, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। मिडल ईयर की बोन, ओसिकल्स मतलब बोन, तो मेलियस, इंकस, स्टेपीडियस, सबसे बाहर की ओर मेलियस, इनर की ओर स्टेपीडियस। और फिर शुद्ध आर्तव का वर्णन पूछा है सुश्रुत ने, सुश्रुत के अनुसार है ना, तो सस असरक प्रतिमम, यतु यदा लाक्षा रसोपमम, तदार्थवम प्रसन्ति, यदा सोने विरंजियत, ये श्लोक याद करना है कि खरगोश के रक्त या लाक्षा रस के समान लाल वर्ण का है, और कपड़े को रंजित न करे, धोने पर दाग छूट जाए। और बीज भाग अवयव है ना, तो ओवम स्पर्म के अंदर क्रोमोजोम जीन होते हैं, उनको बोलते हैं, यह मैंने पहले ही बता दिया।
चरक सुश्रुत के अनुसार शरीर का अंगुली प्रमाण, तो यह भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। चरक ने 84, सुश्रुत ने 120, यह क्वेश्चन है 2019 का। और वसा को परिभाषित, तो वसा क्या होती है, मेद धातु की उपधातु होती है, ये तुमको बताइए। और फिर मेद धातु की उपधातु वसा होती है, ओके, और इसको मेद भी बोल सकते हैं, ओके। सुश्रुत के अनुसार उल्लूकल संधि का स्थान, तो उल्लूकल संधि कहाँ होती है, कक्षा वर्षण दशनेशु उल्लूकला, ओके, ये याद करना ही था सा, कक्षा वर्षण दशनेशु उल्लूकला, ओके। और फिर प्राणवय और रसवय स्रोतस के मूल पूछिए सुश्रुत के अनुसार, तो प्राणवय का हृदय और रसवाहिनी धमनी, और प्राणवय का हृदय और रसवाहिनी धमनी, और रसवय स्रोतस का भी हृदय और रसवाहिनी धमनी, दोनों का क्षेम होती है अकॉर्डिंग सुश्रुत के अनुसार। वल्य अस्थियों की संख्या स्थान पूछा है, तो वल्य अस्थि कहाँ कहाँ पे होती है, पार्श्व पृष्ठ उर और उर, पार्श्व पृष्ठ उर्सु वल्यानी, पार्श्व में पृष्ठ में उर में, ओके, यहाँ पे वल्य अस्थि होती है, ये भी तुमको याद करना है। और फिर गर्भ के षट भाव कौन कौन से, मातृज पितृज आत्मज सात्मेज रसज और सत्वज। उरु का प्रमाण लिखो, तो उरु का प्रमाण है ना, ये थोड़ा इसमें डाउट है, इसके अपन बाद में बात करेंगे, और क्योंकि दो बुक में अलग अलग दिया हुआ है इसका प्रमाण। डिफरेंस पूछा है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो फर्स्ट एटलस हो गई, सेकेंड एक्सस हो गई, और फर्स्ट में क्या बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और फर्स्ट है ना, फर्स्ट एटलस, इसके अबव तो होती है टू कॉन्डाइलर होती है, आपको बताया, और बिलो होती है एक्सस का ओडोन्टोइड प्रोसेस, एक्सस का ओडोन्टोइड प्रोसेस नीचे होता है, ऊपर होता है टू कॉन्डाइलर, ओके। तो एटलस पहली और दूसरी एक्सस, एक्सस में ओडोन्टोइड प्रोसेस होता है, एटलस में बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस अब्सेंट होते हैं। पेक्टोरिलिस मेजर के एक्शन पूछिए, तो ये एडेक्शन भी कराती है, मतलब हाथ को पास लेके आती है, फ्लेक्शन भी कराती है, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर को भी, ओके। और प्रोटोसिस्टमिक एनास्मोसिस पूछा है, एनास्मोसिस पूछा है प्रोटोसिस्टमिक कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखना, एक तो इसोफेगस के तीन पार्ट होते हैं ना, तो लोअर इसोफेगस में, ओके, और अपर पार्ट ऑफ एनल केनाल और एक अम्ब्लाइकस, तीन जगह याद करने हैं तुम्हें, लोअर इसोफेगस, अपर पार्ट ऑफ एनल केनाल और अम्ब्लाइकस, प्रोटोसिस्टमिक एनास्मोसिस। उदक व स्रोतस का मूल पूछा है चरक के अनुसार, तो तालू और कलोम, ओके। और बाद में पुरुष या आत्मा के गुण है ना, पुरुष, यह 2019 का क्वेश्चन, पुरुष या आत्मा के गुण पूछिए, तो इसको एक कर्म पुरुष भी बोलते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ा कर्म पुरुष, ठीक है। पुरुष और आत्मा के गुण देखना 16 होते हैं, इसको बोल जाओ एक बार, पुरुष और आत्मा के गुण 16 याद करना है, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेष वृद्धि बुद्धि मन संकल्प विचारणा स्मृति विज्ञान अध्यवसाय विषय उपलब्धि, ओके। और नेक्स्ट है स्टोमक का डायग्राम बनाना है, तो देखो ये स्टोमक है, कार्डियक पार्ट हो गया, ये हो जैसे पाइलेरिक पार्ट हो गया, ये नोच हो गई एंगुलर नोच, ये फंडस पार्ट हो गया, ये बॉडी हो गया, और ये सल्कस इंटरमीडियस, ये पाइलोरिक केनाल हो गया, तो ये स्टोमक का पार्ट याद होना, स्टोमक का डायग्राम याद होना चाहिए। श्री रामरम के नाम, तो देखो 41 श्री रामरम होते हैं, इसका तुमको श्लोक याद करना है, ओके। और शिष्ट निकायली क्या होता है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, थोरेसिक डक्ट का ओरिजिन यहीं से होता है, ये कहाँ पे होती है, एब्डोमन पार्ट में होती है, थोरेसिक डक्ट हो गई। कंडरा और पेशी, तो कंडरा महत स्नायु प्रोक्ता कंडरा, बड़े स्नायु को ही क्या बोलती है, कंडरा बोलती है, संख्या 16 होती है। पेशी मांस अग्नि वायु से पेशी बनती है, और संख्या देखना, चरक ने 400 मसल बताई है पेशी, सुश्रुत ने 500 बताई है, ओके। और नेक्स्ट है गर्भाशय में गर्भ की स्थिति, कि गर्भाशय में गर्भ कैसे रहेगा, तो माता के पीठ की ओर मुख करके, ऊपर की ओर सिर करके, और सभी अंगों को संकुचित करके, है ना, तो ये तीन स्थिति याद करनी है तुम्हें। और बल्बस कोर्डिस क्या होता है, तो बल्बस कोर्डिस देखो, जब हेड डेवलपमेंट होता है ना, तब ये एक स्ट्रक्चर होती है बल्बस कोर्डिस, जो बाद में थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इलोंगेटेड होगी और थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, प्रोक्सिमल पार्ट, मिडल पार्ट, और तीसरा आर्टोरियोसिस, ट्रंकस आर्टोरियोसिस, प्रोक्सिमल मिडल और ट्रंकस आर्टोरियोसिस, ओके। नेक्स्ट है गर्भ के षड्भाव, यह हो ही गया, तो देखो छोटे क्वेश्चन है ना वो सारे हो गए, अब नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।